हाँ जी जी आज क्या हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉयजिशान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर किया करें जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। आज मैं एक देसी डिश लेके आ गई हूँ आपके सामने और देसी डिश ये है कि आज हम बनाएंगे बोली। ये देखें जी, बोली बोली बनाने लगे। बोली किसको कहते हैं पहले बताए ना जरा, बोली किसको कहते हैं? बोली कहते हैं जो डोरी होती है, डफ होता है ना। हाँ जी मैं डफ हूँ। अच्छा ये ना हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है ना, तो उनकी ना गाय है तो उन्होंने भेजी है, तो मुझे बनानी तो वैसे आती कोई नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने ना बना के भेज दी थी, तो इस दफा उन्होंने ना ये कच्ची भेजी है कि चले आप खुद ही बना ले। तो मैंने ना वैसे मैं वो गई थी उनके पास, वो नीचे जो मेरी वो है ना नेबर, तो मैं उनके पास चली गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा जी कि ये मुझे तो बनानी आती नहीं है तो आप मुझे बताएं कैसे बनाते हैं। तो वो ना मेरे जाते को ना ऑलरेडी बना रही थी, तो वो मुझे कहती हैं आप मेरे पास खड़ी होके 5 मिनट देख लें इसको कैसे बनाना है, तो फिर आप इसको बना लें। तो वो मुझे कहती कि इसको ना आपने बस लेकिन ये बड़ा हेल्दी दूध होता है। ये तब होता है जब गाय का बच्चा पैदा होता है ना, गाय का या भैंस का, भैंस का गाय का पहला दूध होता है। हाँ पहला भी तकरीबन को 3-4 दिन का दूध जो होता है ना वो बोली होती है, ठीक है ना। फर्स्ट डे की तो बहुत थिक होती है, फिर आहिस्ता 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 होना जरा थोड़ी कम थिकनेस उसकी हो जाती है, लेकिन बोली उसको कहते हैं। और ये दूध से बहुत इसका कलर जो था ना बहुत डार्क है, दूध वाइट कलर का था और ये जो आंसर ना ये जरा लाइट सा येलोश सा होगा कलर, या बिस्किट कलर आप जिसको कह सकते हैं, ये वो कलर था। मैं देख के आई थी, वो दूध भी बॉइल करती तो दूध वाइट था और ये जो था ना ये हल्का इसका कलर थोड़ा डार्क था। तब हमने इसको पकाते रहना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दूध जो बोली वाला दूध है, ये जिन लोगों के घर में खुला दूध लगा हुआ उनको तो पता है कि ये जब उनके गाय के बच्चे पैदा होते हैं ना, गाय या भैंस जो कि उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वो ना अपने जो होते हैं ना जिनसे वो दूध जिनको बेच उनको दे के जाते हैं। मुझे याद है कि जब हम पुराने वाले घर में रहते थे तो एक दफ़ा हमारा दूध वाला भी हमें ना दे के गया था बोली, लेकिन मुझे पकानी नहीं थी आती। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो आती नहीं पकानी, मैं उस टाइम यूट्यूब का इतना दौर था कि भाई हर चीज़ फटाफट यूट्यूब से निकाल के देखना, ये रोने तक छोटा था तब की बात बता रही हूँ। तो अभी देखिएगा कि इसका टेक्सचर ऐसा तो चेंज होता जाएगा इसमें ना, इसको ऐसे ही पकाते रहना। हाँ जैसे पकाते रहना, अच्छा, जैसे खोया बनाते हैं। हाँ जैसे खोया बनाते हैं ना वैसे, और लाइक जैसे चीज जब हम दूध को करते ना तो चीज में वो जैसे फुटकड़ियां सी बन जाती है ना, वो चीज बनेगी, ठीक है ना। इसको हम बॉयल करना स्टार्ट किया ना थोड़ी देर, जब ये 2 से 3 मिनट बॉयल होगा ना फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये अभी तो दूध ये देखे चमचा जो है ना वो बिल्कुल प्लेन जैसे दूध ही लगा हुआ है, लेकिन फिर ना इस पर छोटी छोटी ना वो फुटकड़ियाँ सी लगी होंगी। तो ये फिर हमने ना इसको वो कह रही थी बस आपने हिलाते रहना, इसको स्टॉप नहीं करना, ये है कोई आधे पौने घंटे का प्रोसीजर। लेकिन मैंने कहा जहाँ हम इतनी फैंसी चीज़ें ट्राई करते हैं लेटेस्ट लेटेस्ट, से तो ये देखें ये आना शुरू हो गया, ये छोटे छोटे से आप देख लें ना इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। और अब इसके इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है हमने, सिर्फ इसके अंदर ये दूध लेना है, ये जो बोली वाला दूध है ये, और इसके अंदर हमने डाल देनी है चीनी। तो थोड़ा सा ये पक जाए फिर मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। ये जी तकरीबन 5-7 मिनट हो गया और ये आप देख सकते हैं कि ये दूध जैसे फट रहा है होना शुरू हो गया, ठीक है ना। अभी हम इसको और पकाएंगे, चूल्हा मेरा बिल्कुल मीडियम फ्लेम है, मीडियम भी नहीं है बल्कि स्लो ही है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये काम, लेकिन ये टेस्टी होती है, मैंने ये खाई हुई है मज़े की होती है। पिछली दफ़ा उन्होंने हमें भेजी थी तो बना के भेजी थी उस टाइम, उससे पहले भी मैंने ये एक दफ़ा खाई है। हाँ कराची में मिलती है ये इतने इतने ना टुकड़े, याद है जिसे कराची में वो बेच रहा था एक दिन, था ना। इधर भी बनाते हैं कुछ लोग, वो क्या कहते हैं उसको स्लाइस करके काट के ना, जैसे बर्फी है। हाँ। तो वो उससे हमने पूछा जी ये क्या है, तो कहता है ये उसको नहीं पता था कि ये क्या चीज है ना, कहता है ये जो दूध होता है खराब होता है वो होती है। अच्छा फिर हमें समझ आ गई कि अच्छा ये वो चीज है बोली है।
अब जी हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी आप जितनी मर्जी डाल लें, ये थोड़ी ज़्यादा ही मीठी रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ना हो ज़्यादा ही मेरी मीठी हो जाए, है ना, ज़्यादा ही हो जाएगी मुझे लगता है। और ये मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी पहली दफ़ा तजुर्बा कर रही हूँ। वैसे मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की है ना फर्स्ट टाइम की, उसे सही बन गई है, कभी ख़राब नहीं हुई है ना, या ऐसे हो कि वो अच्छी बिल्कुल ना बनी हो, ऐसे नहीं कभी कोई चीज़ बनी, अच्छी ही बनती है। इस पर पता नहीं क्यों मेरा डाउट सा आ रहा कि ये सही बनती है कि नहीं। ये जी कोई आधा घंटा पकने के बाद ये देखिए हमारी बोली तैयार हो गई है, ठीक है। इसके अंदर जो पानी था सारा खुश्क हो गया, ये आप देख सकते हैं कि जैसे वो होता ना खोया वैसा हो गया। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं कटोरी में, और अब हम इसको ठंडी करके खाएंगे। ये हाँ गुड, ये खीर की तरह बन गई। हाँ जी, ये तो खीर की तरह जैसे खोया होता ना, ये बहुत चीज बन गई है। तो अब बच्चों को मैं टेस्ट कराऊंगी, लेकिन अभी इसको ना हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये ना वो क्या कहते हैं गर्म है बहुत ज्यादा, इसको फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडी होगी ना फिर इसको खाएंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।